उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट A&M और GNM में एडमिशन की सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुकी है, तो जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आया है उनको 11 सितंबर से लेके 16 सितंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिए और ऑल द बेस्ट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिन लोगों का नाम वेटिंग में है, और उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगी आप लोगों को भी थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि थर्ड मेरिट लिस्ट भी आ सकती है आने। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज़ फिरोजबी, UPPSC नर्सिंग ऑफिसर। नाउ आई एम वर्किंग इन A&M ट्रेनिंग सेंटर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट A&M और GNM में एडमिशन के बारे में। तो दोस्तों आपको पता ही होगा 28 अगस्त को एक मेरिट लिस्ट आई थी जिसमें 1800 कैंडिडेट का नाम था A&M के लिए, और GNM एडमिशन के लिए 453 की लिस्ट आई थी जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक चला था। तो मैं आपको बता दूं 6 सितंबर तक काउंसलिंग क्लोज हो गई थी, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, लेकिन उसमें क्या हुआ था, बहुत सारी सीट खाली रह गई थी। जी हाँ, हमारे मुरादाबाद में ही सिर्फ 31 लोगों का एडमिशन हुआ था, बाकी 19 सीट हमारी खाली रह गई थी। ऐसे ही सारे सेंटर जितने भी A&M ट्रेनिंग सेंटर हैं, कंप्लीट सीट कहीं भी फुल नहीं हुई हैं, बहुत सारी सीट खाली रह गई थी। तो जो सीट जहाँ सीट खाली रह गई हैं तो वहाँ के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट आई है 9 सितंबर। आज 9 सितंबर को सेकंड मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है, आप जाके अपना नाम चेक कर सकते हैं, जिन लोगों का भी वेटिंग लिस्ट में नाम था। अब जिसका भी नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया था, तो मैंने आप लोगों से कहा था थोड़ा पेशेंस रखिए, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी 100% आएगी। तो मेरिट लिस्ट आ चुकी है, सेकेंड मेरिट लिस्ट आप लोग चाहें तो DGMH की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो ये जो स्मार्ट पाठशाला हमारा चैनल है इसके बायो में जाकर लिंक देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने टेलीग्राम का लिंक शेयर कर रखा है, वहाँ से क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, और वहाँ से आप जो ये मेरिट लिस्ट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो उनको भी, और वेटिंग लिस्ट में नाम है तो उनको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि थर्ड मेरिट लिस्ट भी आ सकती है, आएगी ही, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट में भी कुछ कुछ जो अगर सीट खाली रह जाती हैं तो थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी। जब तक सीट फुल नहीं हो जाती तब तक लिस्ट आती रहेगी। जिस भी कैंडिडेट का नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में है तो उन सबको 11 सितंबर से लेके 16 सितंबर के बीच में जो भी उन्हें सेंटर अलॉट हुआ है, डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, A&M ट्रेनिंग सेंटर या फिर GNM स्कूल ऑफ नर्सिंग, उस सेंटर पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है 11 सितंबर से लेके 16 सितंबर के बीच में। आप कभी भी जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अब बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट आपको शो हो रही होगी, ये हमने A&M ट्रेनिंग सेंटर हम यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट हम लोग चेक कर रहे थे, तो आप ये से नोट डाउन कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपका एक होती है एप्लीकेशन, आपके आप वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो इसकी एक एप्लीकेशन होती है, और दूसरा आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था, अगर आपके पास वो फॉर्म अवेलेबल है तो वो भी आप अपना साथ में लेकर जाइए, और आपका फिटनेस सर्टिफिकेट, वो मेडिकल सर्टिफिकेट, वो स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगी, वो किसी भी डॉक्टर का बना हुआ नहीं होना चाहिए, केवल CMO द्वारा ही बना हुआ होना चाहिए, या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के SIC या CMS का बना होना चाहिए आपका जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, और चरित्र प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट और चरित्र प्रमाण पत्र ओरिजिनल ही लगता है, और बाकी सबके सारे डॉक्यूमेंट अपने जैसे कि 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेके जाने होंगे, और साथ ही सारे डॉक्यूमेंट के आप 2 सेट बना कर लेके जाना, और 5-5 फोटो लेकर जाना, 2 सेट बनाने होंगे, और सारे ही जो आप जितनी भी उसमें फोटोकॉपी लगाएंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड लेके उस पर यहाँ पर साइन कर देना। और जो हमारी आशा संगनियाँ हैं तो उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट CMO द्वारा उनके जिले का बना होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ID प्रूफ वगैरह लेके जाना आप। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप सभी तक पहुँच सकें। और चैनल वीडियो पसंद आई हो तो
वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे ये इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुँच सके। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।